चार दिन पहले 9 सितंबर को छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत सनसिटी कॉलोनी में किराए से रहने वाले 26 साल के बैंक कर्मी प्रफुल्ल गुप्ता ने अपने ही कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में अब मृतक के परिवार ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर बेटे के साथ काम करने वाली एक और बैंक कर्मी अंजू अटारिया पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। सोमवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए मृतक के चाचा आलोक प्रकाश गुप्ता ने कहा कि उनका भतीजा सिर्फ 26 साल का था और पिछले 14 महीनों से निष्ठापूर्वक नौकरी कर रहा था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि उसके साथ काम करने वाली वरिष्ठ पीओ अंजू अटारिया के द्वारा उसे हर कार्य में कमियां निकालकर प्रताड़ित किया जाता था, इसी से तंग आकर वो जान दे रहा है। आलोक प्रकाश गुप्ता ने कहा कि मृत्यु के बाद उन्हें आत्महत्या और हत्या के बीच अभी भी संदेह बना हुआ है। पुलिस ने इस मामले की बारीकी से जांच नहीं की है, ना ही बैंक और कॉलोनी के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और ना ही फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सही साक्ष्य जुटाए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द उचित कार्रवाई कर प्रताड़ित करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पुलिस अधीक्षक को मेरे भतीजे की 3 दिन पहले सुसाइड किया है, उसने ऐसा बताया गया था मुझे। मैं आया था 3 दिन पहले भी, शायद आप लोगों ने सहयोग दिया था मेरा, मैं आप लोगों का सहयोग चाहता हूँ। पंजाब एक सिंध बैंक में पीओ था, उसका जो है ना घर पे फांसी के फंदे पे लटका मिला, दोनों गेट खुले हुए मिले, उसका मर्डर हुआ है या सुसाइड की है ये जांच का विषय है। एक सुसाइड नोट जरूर मिला है उसमें, उसमें उसने लिखा है कि मैंने पूरी निष्ठापूर्वक ईमानदारी के साथ बैंक में काम किया है, हर काम में मेरी अंजू अटारिया हैं, कोई उनकी मैडम सहकर्मी थी, उन्होंने जो है ना उसमें हर प्रकार की उसमें कमी निकाली, मुझे प्रताड़ित किया, वो इतना अधिक प्रताड़ित किया कि मैं मर रहा हूँ। मरना शब्द एक पढ़े लिखे आदमी को लिखने की आप उसकी वेदना समझ सकते हैं कि क्या वेदना आपकी स्थिति में रहा होगा वो। और मैं ये चाहता हूँ कि आज 3 दिन हो गए हैं, कोई भी बैंक कर्मचारी से ना पूछताछ हुई है, ना सीसीटीवी फुटेज देखी गई है, और जिस कॉलोनी में ये आत्महत्या हुई है या मर्डर हुआ है वहाँ की भी सीसीटीवी फुटेज अभी तक नहीं देखी गई है। पुलिस ने खाली खानापूर्ति कर दी, जो फॉरेंसिक टीम आई थी उसने भी ना जो फिंगरप्रिंट लिए हैं ठीक से कुछ नहीं लिया, खाली फोटो उतार के खानापूर्ति पूरी करके चली गई।